ये रावण जब कैलाश से लिंग को ला रहा था तो यहीं आकर के रुका, तो विष्णु भगवान जब रावण पेशाब करके उठा तो खोलने लगा, मिला नहीं, झोली पर नजर पड़ा तो झोली तो हमरा है, जैसे झोली ताना वो गाछ गिर गया, ये आप रूपी लिंग है। देवघर बाबा धाम को सब जानते हैं, हरला जोड़ी जहाँ पे स्वयंभू लिंग है और देवघर बाबा धाम वहाँ पे कामना लिंग है, ये दोनों का इतिहास त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। आइए यहाँ के इतिहास के बारे में जानते हैं, यहाँ की जो मान्यताएं हैं, जो परंपराएं हैं उसके बारे में जानते हैं, जो पदचिन्ह है और उससे जुड़े और भी कई इतिहास, रावण से जुड़ा इतिहास, शिवजी से जुड़ा इतिहास, विष्णु भगवान से जुड़ा इतिहास, और इतिहास एक इतिहास से जो लगातार श्रद्धापूर्वक यहाँ श्रद्धालु पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, आइए उसके विषय में जानते हैं। यहाँ पे जो सेवा लगातार कई वर्षों से देते आ रहे हैं, इन मुख्य पुजारियों से पहले बात करते हैं। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, देवघर बाबा धाम को सबको ही जानता है कि भाई वहाँ पे शिवलिंग स्थापित किया, विष्णु भगवान ने शिवलिंग रख दिया, वहाँ भगवान स्थापित हो गए रावण के हाथ से लेकर के, और कई जो है ये षड्यंत्र रच करके देवी देवताओं ने यहाँ पे शिवलिंग स्थापित किया ताकि लंका ना ले जा सके। यहाँ का क्या इतिहास है रिखिया का? यहाँ का इतिहास यही है, ये रावण जब कैलाश से लिंग को ला रहा था तो यहीं आकर के रुका जंगल में, बाद में तो विष्णु भगवान वहीं खड़ा हो गया। ये रास्ता लंका से शायद इधर आने का, हाँ लंका से आने जाने का यही रास्ता था, तो यहीं विष्णु भगवान ब्राह्मण का रूप में खड़ा हो गया। तो रावण बोला जब महाराज जरा झोली धरिए, हम लंका करके आ रहे हैं, उसको हाथ में झोली दे करके और रावण पेशाब करने बैठ गया, 7 दिन 7 रात पेशाब में ला गया। तो विष्णु भगवान सोचा ये लिंग को रखें कहाँ, तो सती का हृदय गिरा है बाबा बैजनाथ में, तो वहीं लगा करके विष्णु भगवान स्थापित कर दिया। और ये जो बाबा है, यहाँ हरा भरा का पेड़ था, वो पेड़ में खाली झोली टांग दिया, तो विष्णु भगवान जब रावण पेशाब करके उठा तो खोलने लगा, मिला नहीं, झोली पर नजर पड़ा तो झोली तो हमरा है, जैसे झोली ताना वो गाछ गिर गया, ये आप रूपी लिंग है, यानी आप रूपी खुद से निकले। हाँ ये अपने रूपी है, ये शंभू लिंग है ये वाला, और असली जो कामना लिंग है सो बाबा बैजनाथ, यही तो कहानी है। क्या नाम बताया आप अपना? हमारा नाम है बिएगा। कितना साल हो गया यहाँ पे? हमारा तो यहाँ से बचपने से हम लोग हैं, बचपन से रह रहे, बाल्य अवस्था। हाँ हमारा बाबू ने जी रहा था, सेवा कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा कितना वर्ष हो गया यहाँ? आ जाइएगा थोड़ा सा कैमरा में आ जाएगा, कितना पूरा वर्ष हो गया यहाँ का, अगर पूरा अगर गिनती गिना जाए तो कितना साल हो गया, क्योंकि लगभग बराबर ही साल है। ये लिंग जो है ये त्रेता युग का है, त्रेता युग का। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं बना हुआ, ये हम लोगों का पूर्वज बनाया है। अच्छा, शुरुआत में खुला सिर्फ लिंग। हाँ बस, अब बात रहा कि आप कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं, तो हरला जोड़ी में, हरला जोड़ी में खड़े हैं। हरला जोड़ी का माने ये हुआ हरि और हर का मिलन होना, हरला जोड़ी। अब शंकर जी का घर कैलाश पर्वत और रावण का घर लंका, ये रोज रोज जाते थे वहाँ पूजा करने। पूजा करते करते इनके मन में भावना उत्पन्न हो गया कि अब हम नहीं आएंगे। एक सप्ताह इनका घर हाजिरी हो गया, भोलेनाथ आकर के इनको पकड़ा कि हे रावण, एक घंटे से तो एक सप्ताह से अगर हाजिरी है, क्या बात है? बात प्रभु जी कुछ नहीं है, अब हम जाने के सक्षम में नहीं है। तब तो और क्या, आपका तो द्वादश ज्योतिर्लिंग है, एक हमको दे दीजिए, तो एक तो कामना लिंग हमको दे दीजिए, हम अपने जगह पर ले जाके मंदिर बना के पूजा पूजी करेंगे। वो बोले मस्तु जाओ, हम तुम्हारे साथ जाएंगे, किंतु एक शर्त रहेगा। शर्त क्या है? कि हमको कहीं रखना नहीं, कहीं रखेगा तो फिर हम उठेंगे नहीं। ठीक है, विमान से चल रहे थे, आते 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 यहाँ तक आते आते उनको लग शंका लग गया बड़ा जोर से, उनको यहाँ उतरना पड़ा। उतर करके अब कोई नहीं, तो भगवान विष्णु का आवाहन किए, वो बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गए।
उनको बोला गया कि महाराज ये शंकर जी का लिंग है, एक घंटा थामिए, हम लघुशंका से आकर के ले लेंगे। और बोले ठीक है, एक घंटा नहीं हम दो घंटा थामेंगे, इससे अधिक देर आप कीजिएगा तो हमारा जहाँ मर्जी होगा जहाँ रख देंगे। वो बोले ठीक है। अब जब लघुशंका में हो गए तो उनको सात दिन सात रात लघुशंका में टाइम लग गया। अब भगवान विष्णु तो घबरा गए कि अरे बाप अब कौन उपाय होगा। फिर सोच विचार करके वो देखे और ध्यान किए, ध्यान किए देखे यहाँ से दक्षिण दिशा में चिताभूमि है बाबा बैजनाथ धाम, और वहाँ माता सती का हृदय गिरा था। आप भगवान विष्णु ने आके माता सती के हृदय पर भोले बाबा को बैठा दिया। वो हृदय आप पीठ कहलाते हैं। वो लिंग कौन है? कामना लिंग। इतना यहाँ भीड़ क्यों लगता है? तो यात्री जो भक्त अपने हार्दिक दिल से भगवान से मांगते हैं भोलेनाथ से, वो दे देते हैं, इसलिए यहाँ इतना भीड़ होता है। आप जो अभी हल्ला जोड़ी में खड़ा है, ये शंकर जी है, शंकर जी का मूर्ति जो है ये अपरूपी है। अब भगवान विष्णु का चरण पादुका में चलना है। एकदम एकदम। इसके बाद हम लोग जो विष्णु भगवान का पद चिन्ह है वहां पे जाएंगे, और लघुशंका जहाँ रावण ने किया था उस नदी में भी जा करके उसको भी आप लोगों को तस्वीरों के माध्यम से दिखलाएंगे। पवित्र चर्मावस्थान गतो विवाह यश मरे कुंडारी काख्य स्वाहज्या भ्यांतरा सूचि 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 छिटो ये लोग को छिट दो। जय माँ जय गुरु जय माँ। यही रफड़ा खार है। रावण जो सात दिन सात रात लघुशंका किया ना, वही ये नदी है। बोलिए चाय गुड़ गुड़ बाजरा बाजे भोला बाबा घरे, चाय गुड़ गुड़ ए चाय गुड़ गुड़ बाजरा बाजे भोला बाबा घरे, चाय गुड़ गुड़ चाय गुड़ गुड़ चाय गुड़ गुड़ बाजरा बाजे। श्रद्धा भावना से जुड़ा हुआ ये इतिहास आपको कैसा लगा? आपको बता दूं, देवघर से महज 3-4-5 किलोमीटर के दरमियान में हरला जोड़ी पड़ता है, और काफी महत्वपूर्ण काफी पुराना त्रेता युग का इतिहास यहाँ का था। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और खास करके भोलेनाथ और माँ पार्वती से जुड़ा देवघर का इतिहास है, यहाँ रिखिया हरला जोड़ी का इतिहास है, तो जय माता दी या जय भोलेनाथ लिखना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया। मैं अपराजिता।